हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी टुडे वी विल स्टडी चैप्टर ट्वेल्व मिनरल न्यूट्रिशन तो बेसिकली न्यूट्रिशन से हमें पता लगता है डाइट क्या डाइट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो मेनली हम अभी आजकल डील कर रहे हैं प्लांट्स से इन चैप्टर्स में तो बेसिक नीड लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है एसेंशली सेम है हमें मैक्रो मोलिक्यूल्स चाहिए होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट वाटर मिनरल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए तो ये चैप्टर में हम मेनली इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन पे दव... मतलब ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे कैसे एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करते हैं और रोल क्या है इन एसेंशियल एलिमेंट्स का मेजर डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या होते हैं एब्जॉर्बन कैसा होता है और इसमें हम सिग्निफिकेंस के बारे में पता करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो हमने अर्लियर क्लासेस में ही पढ़ा होगा पर हायर क्लास के तरीके से इसमें समझाया जाएगा तो जब मेथड क्या है स्टडी करने के लिए मिनरल रिक्वायरमेंट है कि नहीं प्लांट्स को तो हमें कैसे पता लगेगा तो 1860 में जूलियस ने जर्मन बॉटनिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम डेमॉन्स्ट्रेट किया कि प्लांट्स को एक मैच्योरिटी तक ग्रो किया जा सकता है अगर हम न्यूट्रिय सोल्यूशन में रखें इन कम्प्लीट एबसेंस ऑफ सॉयल सॉयल भी नहीं है खाली पानी है और उसी के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं सारे तो न्यूट्रिय सोल्यूशन है वो पानी भी नहीं है न्यूट्रेंट सोल्यूशन है और सोयल नहीं है तो ये जो टेक्निक है प्लांट की ग्रो करने की इसको बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स तो उसके नंबर ऑफ इम्प्रोवाइज मेथड्स आए ट्राई डिटरमाइन करने के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट क्या है एसेंशियल क्या है प्लांट्स के लिए तो ज़्यादातर में मेथड क्या है कल्चर ऑफ़ प्लांट्स होता है सॉयल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन होता है तो ये मेथड क्या, क्या है क्या रिक्वायर करते हैं प्योरीफाइड वाटर होना चाहिए और मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्ट्स को मिक्स करके न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया जाता है प्योर वाटर नहीं होता है हाइड्रोपोनिक्स इसलिए क्या है कि प्योरीफाइड वाटर और कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो ये सब हमारे किसके लिए क्यों एसेंशियल है ये ग्रोथ के लिए ज़रूरी है प्लांट के तो कई सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए गए इसमें रूट ऑफ द प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इमर्स किया गया एलिमेंट्स रिमूव किए गए कुछ ऐड किए गए और अलग अलग कंसनट्रेशन पे इनको डाल के चेक किया गया डेवलपमेंट को कौन सा सूटेबल है प्लांट ग्रोथ के लिए तो एसेंशियल एनिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए और डेफिशिएंसी सिम्टम भी डिस्कवर किए गए कि बिना न्यूट्रेंट सॉल्यूशन के कैसे क्या डेफिशिएंसी आती है तो हाइड्रोपोनिक्स एक सक्सेसफुल टेक्निक है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वॉडर वेजिटेबल्स के लिए जैसे टोमेटो सीडलेस क्यूक्यम्बर लेट्यूस पर ये जरूरी है एडिक्यटली एरिएटेड होना चाहिए ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए तो ये हाइड्रोपोनिक्स का डायग्राम है ये देखिए एरिएटेड ट्यूब है ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है इसमें ये हमने यहाँ कॉटन लगा के इसको बंद कर रखा है यहाँ भी इसको पैक कर रखा है और फनल है जिससे वाटर और न्यूट्रिएंट डाले जा रहे हैं तो ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बन गया और यहाँ से एयर सप्लाई की गई एरिएटेड ट्यूब डालेगी इसमें ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए तो टिपिकल सेटअप है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का तो हाइड्रोपोनिक प्लांट जो होता है प्लांट ग्रो इन अ ट्यूब और ट्रफ प्लेस्ड ऑन अ स्लाइट इनक्लाइन ठीक है इस पर ऐसे उगाया जाता है इसको स्लाइट इनक्लाइन पे और फिर एक पंप सर्कुलेट करता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन ये पंप है ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन सर्कुलेट कर रहा है देखो इस पाइप के थ्रू ये देखिए ऐसे 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 करके अंदर की तरफ गया और फिर ये यहाँ निकल गया रिजर्वायर टू द एलिवेटेड एंड ऑफ द ट्यूब जहाँ से ऊंचा उठा हुआ है यहाँ से एलिवेटेड पोर्शन से वहाँ से लेके एंड ऑफ द ट्यूब तक वो जाएगा तो सॉल्यूशन फ्लोस डाउन द ट्यूब एंड रिटर्न्स टू द रिजर्व ग्रेविटी के कारण वापस अपने रिजर्व में आ जाता है तो ये सेटअप क्या शो करता है कि प्लांट हुज़ रूट्स आर कंटिन्यूसली बात इन एरिएटेड न्यूट्रेंट सॉल्यूशन ये जो है ये वो प्लांट है जिसका कंटिन्यूसली एरिएटेड सॉल्यूशन में बात किया गया ये ये जो प्लांट है ये ये शो कर रहा है यहाँ से गया वाटर है ना इनकी जड़ों में गया ये न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फिर वापस रिजर्व गया या फिर पंप के थ्रू न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन गया और ये वापस यहाँ रिजर्वर में आ गया तो इस इसका ग्रोथ दिखाई है ये रूट्स ग्रो की हैं जिसको एरिएटेड न्यूट्रिय सोल्यूशन में कंटिन्यूसली ग्रो किया गया ओके एरिएटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में कंटिन्यूसली ग्रो किया गया तो उसके बाद हमने ये डायग्राम से पता लग गया कैसे सेटअप बनता है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के लिए कैसे इनको एरिएटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया गया और उसके बाद इसका सेटअप कैसे बनता है अब हम लिखेंगे एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स क्या मोस्ट ऑफ़ द मिनरल प्रेजेंट है जो सॉयल में ये रूट्स के थ्रू करते हैं और कम से कम सिक्सटी एलिमेंट्स हैं और एक सौ पाँच है टोटल पर हमने डिस्कवर सिक्सटी एलिमेंट्स किए हैं तो प्लांट्स स्पीशीज़ कई बार सेलेनियम गोल्ड ये भी एक्यूमुलेट करते हैं है ना जब रेडियो एक्टिव लेते हैं कई टेक्निक्स हैं जो डिटेक्ट करती हैं मिनरल्स को एट वेरी लो कंसनट्रेशन में भी डिटेक्ट कर लेती हैं तो इसी के बारे में हम आगे और स्टडी करेंगे क्या ये रियली really नेसेसरी है सेलेनियम और गोल्ड प्लांट के लिए एसेंशियल कौन कौन से ज़्यादा एसेंशियल है न्यूट्रिएंट्स तो क्राइटेरिया क्या होगा एसेंशियल टी का एसेंशियल टी मीन कौन सा ज़्यादा ज़रूरी होगा तो एलिमेंट जो एब्सोल्युटली नेसेसरी है नॉर्मल ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए और उसकी एब्सेंस में लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट हो पाता है तो वो इम्पोर्टेंट है कि कंप्लीट नहीं प्लांट्स कंप्लीट नहीं कर पाता है उसकी एबसेंस वो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो कि नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है और ऐसे एलिमेंट्स जो कि जिनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता दूसरा एलिमेंट इतने जरूरी हैं और और उनकी डेफिशिएंसी को दूसरा एलिमेंट कोपअप नहीं कर सकता वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट है और एलिमेंट जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट और तीसरा मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है और नॉट रिप्लेसेबल होता है वो क्या है एसेंशियल न्यूट्रिएंट है तो बेस्ड अपॉन द अबाउ क्राइटेरिया खाली फ्यू एलिमेंट्स हमें फाउंड आउट किए जो एप्सिल्यूटली एसेंशियल है ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए तो इन एलिमेंट्स को एप्सल्यूटली मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए जरूरी हैं उनको डिवाइडेड किया ब्रॉड कैटेगरीज में मैक्रोन्यूट्रियस एंड माइक्रोन्यूट्रियस तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट में इन एक्सेस तो द मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम और जिसमें से कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से और बाकी सॉइल से ऑब्जॉर्व होता है तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अगर हम शॉर्ट में लिखें तो ये देखिए कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिस लाइन कम वेट विटमिन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसमें से कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमें किससे मिल जाता है सी ओ टू प्लस वाटर से मिल जाता है ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन गॉट इट फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब ट्रेस एलिमेंट्स ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट माइक्रोन्यूट्रंस ट्रेस एलिमेंट होते हैं ये टेन मिली एम मोल के पर के जी होते हैं ड्राई में हैं। और ये एक्सेस होते हैं दीज इंक्लूड आयरन मैग मैगनीज़ आयरन मैगनीज कॉपर मोलबिनम जिंक बोरोन क्लोरिन निकल ये क्या है दीज आर माइक्रोन्यूट्रेंट्स ओके इन एडिशन टू द सेवनटीन एसेंशियल एलिमेंट्स जो हमने बताए हैं कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम सिलिकॉन सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट सेलेनियम ये जो हैं हायर प्लांट्स में रिक्वायर होता है तो एसेंशियल एलिमेंट्स को ग्रुप किया जाता है फोर ब्रॉड कैटेगरीज में ओके okay? और उनके फंक्शंस के हिसाब से वाट इट तो एसेंशियल एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंपोनेंट्स और बायो मालिक्यूल्स होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स और इनको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ सेल्स कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इनको क्या बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ओके कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को और फिर कौन से हैं ये तो कंपोनेंट्स ऑफ क्या बताया हमने कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फिर है कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स जैसे फास्फोरस ए में फास्फोरस और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में और फास्फोरस ए में ये क्या है एनर्जी रिलेटेड ये एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड्स हैं जो कि जरूरी एक हमने पढ़े बायोमोलिक्यूल्स कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं फिर है एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स मैग्नीशियम इन क्लोरोफोर और फॉस्फोरस इन एटीपी टी ट्राइफॉस्फेट फिर एसेंशियल एलिमेंट्स हैं द एक्टिवेट और इनहिबिट इंजैम्स एक्टिवेट और इनहिबिट इंजाइम जैसे मैग्नीशियम इज एन एक्टिव मैग्नीशियम आइन इज एन एक्टिवेटर फॉर राइब्यूलोस बाईफॉसफेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस फॉसफोफिन पाइरोट कार्बोक्सिलेस बोथ ऑफ क्या है? ये क्रिटिकल इंजाम है फोटोसिंथसिस में कार्बन फिक्सेशन में और जिंक भी एक एक्टिवेटर है मैग्नीशियम एक्टिवेटर है या जिंक भी एक्टिवेटर है एल्कोहल डीहाइड्रोजनस का और मोलीबिडिनम है नाइट्रोजनस ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजेस ड्यूरिंग नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तो कौन कौन से एक्टिवेट और इनहिबिट करते हैं को मैग्नीशियम आयन जो कि राइबिलोस बाईफॉस्फेट और कार्बे ऑक्सीस ऑक्सीजनेस को करता है और फॉस्फोफिनोल पायरेवेट को और जिंक आयन ये असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो एक्टिवेट और इनिबेट करते हैं इंसान को कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो अल्टर कर देते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करते हैं तो ये ऑस्मोटिक पोटेंशियल को चेंज करते हैं मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ये काम है इनका तो इसका काम कौन करता है ये पोटेशियम ऑस्मोटिक पोटेंशियल का काम करता है पोटेशियम सबका वर्क समझ आ रहा है इट इज क्लियर तो ये इनका रोल है मिनरल्स का सॉल्यूट्स है जो डिटरमाइन करते हैं वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल का तो क्या क्या काम रहे हमने क्या पढ़ा दो टाइप के न्यूट्रोन है मैक्रोन्यूट्रिएंट माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं जिसमें ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम जिसमें से ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलता है अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं जो हमें स्मॉल अमाउंट्स में मिलते हैं ये आयरन मैगनीज कॉपर मोलबिडिनम एंड जिंक बोरोन क्लोरीन और नेकरर और दूसरे भी एलिमेंट्स हैं जो कि बेनिफिशियल हैं जिसमें जिसके अंदर और भी आएंगे जैसे सोडियम सिलिकॉन सोडियम सिलिकॉन कोबाल्ट सैलिनियम ये सब सिलिकॉन सेलिनियम ये हायर फ्रंट से फिर हमने एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े एसेंशियल एलिमेंट्स को हमने डिवाइड किया ब्रॉड कैटेगरी में डाइवर्स फंक्शन के हिसाब से ये क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम और ये एसेंशियल एलिमेंट्स के हिसाब से डिवाइड किए कैटेगरी में डिवाइड किए गए ओके माइक्रो और माइक्रो क्वांटिटेटिव के हिसाब से और ये एसेंशियलिटी के हिसाब से एसेंशियल में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उसके बाद एनर्जी में एटीपी में काम आते हैं और क्लोरोफिल में काम आते हैं मैग्नीशियम और फास्फोरस फिर एक्टिवेट और इनहिबिट करता है इंजाइम को मैग्नीशियम एंड जिंक फिर ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेंटेन करता है पोटेशियम तो इस तरह से हम उन्हें डिवाइड करेंगे अब क्या है? रोल क्या है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का जो तो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो बहुत फंक्शन परफॉर्म करता है दे परफॉर्म सेवरल फंक्शन और जितने मेटाबॉलिक फंक्शन uh, है प्लांट के जैसे परमेबिलिटी है प्लांट की ओके प्लांट मेम्ब्रेन की मेंटेनेंस है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का जो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है बफरिंग एक्शन है इंजैम एक्टिविटीज़ है तो माइक्रोमोल्यूज़ की को की सब एक्टिविटीज़ एसेंशियल न्यूट्रिएंट करता है पर अब हम क्या पढ़ेंगे एक एक न्यूट्रिय का क्या रोल है जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का क्या रोल है एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स रिक्वायर करता है ग्रेटेस्ट अमाउंट में सम आल्सो एनओ थ्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पर एनओ टू और एमोनिया में नाइट्रोजन नाइट्राइट और एमोनिया के फॉर्म में भी प्लांट उसको लेता है नाइट्रोजन किसके लिए रिक्वायर होता है मेरिसमेटिक टिश्यू एंड मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स में मेजर कॉन्स्टिट्यूट है प्रोटीन न्यूक्लिय न्यूक्लिक एसिड विटामिन एंड हारमोन्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूट है प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड विटामिन एंड हारमोन्स का फॉस्फोरस जो है वो एब्जॉर्ब करा जाता है प्लांट्स के साथ फ्रॉम द सॉयल इन द फॉर्म ऑफ आयन इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है तो फॉस्फोरस को एच टू पी ओ फोर एच टू पी ओ फोर या एच पी ओ फोर के फॉर्म में एब्ज़ॉर्ब किया जाता है फॉस्फोरस जो है कॉन्स्टिट्यूट करता है सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटीन्स को और सब न्यूक्लिक एसिड्स को न्यूक्लियोटाइड्स को और ये रिक्वायर किया जाता है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस ये फॉस्फोरस एब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट से सॉइल का इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयन एस टू पी ओ थ्री और एच पी ओ और ये क्या करता है सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के लिए फास्फोरस जरूरी है नाइट्रोजन और एमोनिया की फॉर्म में अब्सॉर्ब होता है उसको अब याद कर लीजिए मेजर कॉन्सिडर है प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड विटामिन हार्मोन फास्फोरस हाइड्रो जन डाई फॉसफे हाइड्रोजन फॉस्फेट और एच पी ओ फो ये इनकी आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है ओके okay, तो आयोनिक फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है तो जब हम इसको डीपली स्टडी करते हैं हर एक चीज को तो हमें पता लगता है कि किस किस फॉर्म में ये एबज़ॉर्ब होता है डायरेक्टली नहीं ये आयोनिक फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं और इसका भी काम है प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स को कंस्टिट्यूट करना इसमें प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड विटामिन हारमोन प्रोटीन ऑल न्यूक्लिक एसिड है न्यूक्लियोटाइड्स और फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन सेल मेम्ब्रेन भी कॉन्टीन्यूस ये मेंटेन करता है सेल मेम्ब्रेन भी कॉन्स्टिट्यूट करता है ओके फिर है पोटेशियम पोटेशियम ऑब्जॉर्व होता है आयोनिक फॉर्म में तो प्लांट्स रिक्वायर को आइडेंट एबेंडेंट क्वांटिटी में फॉस्फोरस चाहिए फॉर मेरिस्ट मैटिक टिशूज़ फॉर मेरेस्टीमेटिक टिशूज़ बर्ड्स लीव्स रूट्स टिप्स ये एक एनायन कैटायन बैलेंस बना के रखता है सेल में प्रोटीन सिंथेसिस में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में ठीक है सब में ये काम आता है टर्गीटी स्कैंड मेंटेन रहती है हमने पढ़ाई था फंक्शन पिछले चैप्टर में स्टोमेटा का टर्गिडिटी ऑफ सेल एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में एनाइन कैटाइन बैलेंस में पोटेशियम काम फिर है कैल्शियम कैल्शियम आयन सॉइल से अब्जॉर्व होता है ये भी मेरिस्मेटिक टिश्यू और डिफ्रेंशिएटिंग टिश्यूज में काम आता है ये सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कैल्शियम पैक्टेड मिडल लैमेला में मेनली इसके सिंथेसिस में काम आता है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल ये सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन में काम आता है ये एक्टिवेट करता है कई एंजाइम्स को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इसका मेन वर्क है ओके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और ये माइटोटिक मान लो पूछ लिया जाए स्पिंडल डायरेक्ट भी पूछेंगे जैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं कि क्या रोल है कैल्शियम का या ये या पोटेशियम का या फास्फोरस का कि इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि माइटोटिक स्पिंडल की फॉर्मेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिय रिस्पॉन्सिबल है या एनाइन कैटाइन बैलेंस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है तो आ जाएगा पोटेशियम ओके okay. तो यार टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लिक एसिड सेल मेम्ब्रेन के कॉन्स्टिट्यूट के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है तो आप जब इसके आ, इसको वीडियो को बार बार सुनेंगे आपको लर्न होगा साथ में रीड करेंगे अपनी बुक से तो अच्छे से लर्न हो जाएगा साथ साथ आप लिख के पॉइंट वाइज तो उसको याद कीजिए आई प्रॉमिस कि आप कभी नहीं भूलेंगे मैग्नीशियम जो है ये डाइवेलेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है मैग्नीशियम जो है वो डाइवेलेंट फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है तो ये किस में एक्टिवेट होता है ये रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस और इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए और, और आरएनए के सिंथेसिस में मैग्नीशियम का रोल है मैग्नीशियम रिंग बनाता है क्लोरोफिल की राइबोसोम स्ट्रक्चर का है ना डी एन और आर एन ए के सिंथेसिस में रिस्पॉन्सिबल है रेस्पिरेशन सिंथेसिस में मैं शाह साइड में जो अलग दिखता है सबसे वो दिखती हूँ बाकी फंक्शंस तो आप सभी लर्न करने है, जो जो अंडरलाइन की सल्फर वो है वो एसओ फोर के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है सल्फेट आयन के फॉर्म में टू अमीनो एसिड में होता है सिस्टीन और मिथियोन और मेन कंस्टिट्यूट है कोम्स का और विटामिनस का ये सल्फर जो है टू एमिनो एसिड में सिस्टिन और मिथ्योन में प्रेजेंट होता है रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर्मेशन और मीनू सेवरल को इन्सैम्स एंड विटामिन्स ऐसी आयरन जो है वो फेरिक आयरन के रूप में होता है लार्जर अमाउंट में चाहिए होता है इट रिक्वायर एन लार्जर अमाउंट कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रेंट ट्रांसफर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स में काम आता है ये ऑक्सीडाइज होता है एफ ई टू प्लस से और एफ ई थ्री प्लस से ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये कैटेलस एंजाइम को एक्टिवेट करता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल ये इसके वर्क में आ जाएंगे फिर है मैग्नीज मैग्नीज जो है मैग्नीज जो है मैगनस मैंगनेस आयन के फॉर्म में अब्जॉर्व होता है और ये कई एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस में रेस्पिरेशन में नाइट्रोजन वे नाइट्रोजन में बेस्ट डिफाइंड फंक्शन मैग्नीज़ का स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस मेन इसका फंक्शन है मेन इसका फंक्शन है स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ंग ऑफ वाटर एंड और ये एब्जॉर्ब होता है, है मैग्नीशियम तो इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन नाइट्रोजन मेटाबोल जिंक जो है ये एज अ जिंक आयन होता है इट एक्स वेरियस एंजाइम एक्टिवेट करता है कार्बोक्सिल स्पेशली किसको इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है लेजेस को कौन जिंक आयन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन स्पेशली कार्बोक्सीस कॉपर जो है ये कॉपर आयन के रूप में ऑब्जॉर्ब होता है एसेंशियल होता है मेटाबॉलिज्म के लिए और ये रेडॉक्स रिएक्शन में हेल्प करता है इन्वॉल्व होता है किसमें रेडॉक्स रिएक्शन ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में जरूरी है फिर बोरोन जो बी ओ थ्री और इस फॉर्म में होता है बी फोर ओ सेवन ये रिक्वायर्ड होता है यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम मेम्ब्रेन फंक्शनिंग है पोलन जर्मिनेशन कैसे होगा सेल एलोंगेशन सेल डिफ्रेंशिएशन कार्बोक्सिलेशन, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन इस सब में कौन हेल्प करता है बोरोन मोलिबेनम है जो प्लांट्स मोलिबेट आयन होते हैं इस फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है ऑप्टेन इन द कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स का कंपोनेंट है मोलिबिनम इवन नाइट्रोजनस और नाइट्रेट रिडक्टेस में पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन जो कि पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बोरोन का फंक्शन बहुत जगह है मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में पोलन जर्मिनेशन में सेल एलोंगेशन में डिफरेंशिएशन में और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है अब क्लोरीन क्या होता है ये किस फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होता है ये क्लोराइड एनायन के रूप में ऑब्जॉर्ब होता है अलोंग विथ सोडियम एंड पोटेशियम तो ये क्या इसमें हेल्प करता है सोल्यूट कंसनट्रेशन में एनायन केटायन बैलेंस में हेल्प करता है वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस में और ये जो हेल्प करता है ऑक्सीजन इवोल्यूशन में हेल्प करता है क्लोरीन जो है किसके साथ मिलके काम करता है सोडियम और पोटेशियम के और ये सोल्यूट कंसंट्रेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है और एनाइन कैटायन बैलेंस मोलिवडनियम जो है इन सेवरल एंजाइम्स का कंपोनेंट है और इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है जो मोलिडिन क्लोरीन जो है अलोंग विद सोडियम पोटेशियम ये सॉल्यूट कंसनट्रेशन में एनइन केटाइन बैलेंस में हेल्प करता है और वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस में जो कि ऑक्सीजन एवोल्यूशन का काम करता है उसमें क्लोरीन हेल्प करता है और बोरोन के तो हमने फंक्शन बता ही दिए थे यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम मेम्ब्रेन का फंक्शन पोलन जर्मिनेशन एलोंगेशन सेल डिफ्रेंशिएशन और कार्बोहाइड्रेट को सेल को लंबाई के लिए कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसलोकेट करने के लिए मेम्ब्रेन बनाने के लिए सब में बोरोन काम आता है कॉपर रेडॉक्स रिएक्शन में काम कर करता है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है जिंक जो, जो है एक्टिवेट करता है वेरियस इंजाम्स को मैंगनीस जो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस में वर्क करता है मॉलिवेनिज्म भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू नाइट्रोजनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेस का कंपोनेंट होता है इसका कारण okay. ओके तो इस तरह से ये भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है जो मेटाबोलिज्म में तो अब डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं अगर ये कम हो जाते हैं तो इनकी डेफिशिएंसी से ये तो हमने पढ़ लिया रोल पढ़ लिया सबका ओके तो डेफिशिएंसी होने पे क्या क्या सिम्टम प्लांट्स के अंदर आता है जैसे ह्यूमन बींग में जैसे हम पढ़ते हैं न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन साथ ही हम पढ़ते हैं कि उसकी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है ओके okay. तो जब भी हम एसेंशियल एलिमेंट सप्लाई करते हैं अगर है लिमिटेड है तो प्लांट ग्रोथ क्या होगी कम होगी रिटायर्डेड हो जाएगी तो कंसंट्रेशन होता है एसेंशियल एलिमेंट का जितना कि प्लांट्स को चाहिए और उसकी रिटायर कर देता है ग्रोथ उसको वो बोलते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन तो एलिमेंट जो उसको डेफिशिएंट कहेंगे जब उससे बिलो है व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन जो है मतलब यहाँ यहाँ तक होना चाहिए उससे तो कम है तो डेफिशिएंट कहलाएगा वो एलिमेंट अगर इट प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या है वो कंसंट्रेशन एसेंशियल एलिमेंट्स का जो कि ग्रोथ के लिए चाहिए और वो कम पड़ गया तो हम देख रहे हैं हर एलिमेंट का स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल है प्लांट में और एब्सेंस होते ही कई मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आए जाएंगे प्लांट में और ये जो सिम्टम्स आएंगे उसको डेफिशिएंसी सिम्टम हम बोलेंगे तो सब एलिमेंट के डेफिशिएंसी का अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल इफेक्ट पड़ेगा न्यूट्रिएंट का अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेवेशन होगा तो डेथ हो जाएगी प्लांट की तो डेफिशिएंसी डिपेंड करता है मोबिलिटी कितनी है प्लांट की मोबिलिटी कितनी है एलिमेंट की जैसे एलिमेंट जो एक्टिवली मोबिलाइज है प्लांट में और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हो गए यंग डेवलपिंग टिश्यूज़ को तो जो डेफिशिएंसी है पहले ओल्डर टिश्यूज़ में आएगी जैसे फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी सिम्टम है नाइट्रोजन पोटेशियम और मैग्नीशियम का विजिबल है सेंसेंट लीव्स में और ओल्डर लीव्स जो होती हैं उनमें बायोमोलिक्यूल्स कंटेनिंग जो हैं या एलिमेंट में जो बायोमोलिक्यूल्स बॉले, हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और यंगर लीव्स को न्यूट्रिएंट पहुँचाने में हेल्प करते हैं तो जो डेफिशिएंसी जो है फर्स्ट आएगी यंग टिश्यूज़ में अगर एलिमेंट्स मूव नहीं करता इमोबाइल है, है तो मैच्योर ऑर्गन में नहीं ट्रांसफ़र होगी पहले जो छोटे जो टिश्यूज हैं उनमें ट्रांसफ़र होगी अगर एक्टिवली मोबिलाइज हैं तो पहले ओल्डर टिश्यू में आएगी क्योंकि वो जो हैं लीव्स जो हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम का जो डेफिशिएंसी सिस्टम है सबसे पहले सेंस एंड लीव्स में आएगा ओल्डर लीव्स में क्या होगा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होके वो जो एलिमेंट्स हैं वो यंगर लीव्स को पहुंचाएंगे न्यूट्रिएंट्स जो हैं ओके okay, तो इस तरह से डेफिशिएंसी सिस्टम जो है पहले यंग में अपीयर होगा पहले यंग में अपीयर होगा अगर इमोबाइल है तो विजिबल जो इसमें डेफिशिएंसी सिस्टम जो मरने वाली पत्तियां एकदम पीली हो गई हैं तो डेफिशिएंसी सिस्टम सबसे ज़्यादा ओल्डर लीव्स में दिखाई देते हैं और क्या जो एलिमेंट्स हैं वो यंग डेवलपिंग लीव्स में चल जाते हैं तो डेफिशिएंसी सिस्टम पहले ओल्डर टिश्यूज़ में आते हैं और ओल्डर लीव्स जो होती हैं उनके अंदर जो बायोमेडिकल्स एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रोक होके नई लीव्स को मिल जाते हैं इसी कारण इसको हेल्प करते हैं डेवलप होने में तो कोशिश करते हैं यंगर लीव्स को देने की अगर एलिमेंट्स मूव नहीं कर सकते हैं तो पहले सिम्टम यंग टिश्यू में दिखाए दे हैं मूव कर सकते हैं तो वो हेल्प करेंगे यंग टिश्यूज़ को डेवलप होने की कैल्शियम जैसे है ये क्या है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल का तो इजीली रिलीज नहीं होता तो मिनरल न्यूट्रिशन जो है प्लांट का वो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि कहाँ क्या होता है ऐसे डेफिशेंसी सिस्टम जो होता है पहले यंग टिश्यूज़ में होते हैं अगर एलिमेंट्स इन मोबाइल हैं ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहे हैं मैच्योर ऑर्गन से तो एलिमेंट जैसे सल्फर और कैल्शियम है ये क्या है स्ट्रक्चर कंपोनेंट है सेल के तो इजीली रिलीज नहीं होते तो मिनरल न्यूट्रिशन जो प्लांट्स का है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस के का है तो काइंड ऑफ डेफिशिएंसी शोन इन प्लांट्स क्या डेफिशिएंसी सिस्टम होते हैं क्लोरोसिस नेक्रोसिस टंटेड ग्रोथ नहीं होती है समय से पहले पत्तियाँ झड़ जाती हैं बर्ड्स टूट जाती हैं और सेल डिवीज़न ख़त्म हो जाता है तो सेल डिवीजन नहीं होगा तो ग्रो नहीं करेगा प्लांट क्लोरोसिस क्या होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल उसके कारण पत्तियाँ पीली होने लग जाती हैं डेफिशिएंसी सिस्टम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब जो हम भी देखते हैं ना जो प्लांट को पानी ठीक से नहीं दिया जाता है न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं मिलते हैं तो उसकी पत्तियां पीली होने लग जाती हैं और नेक्रोसिस क्या होता है डेथ ऑफ टिश्यू डेफिशिएंसी जो कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर पोटेशियम लैक और लो लेवल ऑफ सोडियम पोटेशियम सल्फर और मोलिब्डेनम क्या होता है इनहिबिशन कर देता है सेल डिवीजन का तो नाइट्रोजन सल्फर और मोलिडिन क्या करता है फ्लावरिंग को डिले कर देते हैं और कंसनट्रेशन प्लांट में अगर लो है तो क्योंकि जो जो हमने फंक्शन बताए हैं हर एक हर न्यूट्रिएंट के वो अगर बंद हो जाएंगे तो प्लांट्स धीरे धीरे पतियाँ याल्लो हो जाएंगी धीरे धीरे प्लांट खत्म होने लग जाएगा तो डेफिशिएंसी ऑफ कोई भी एलिमेंट होने से मल्टीपल सिस्टम्स आएंगे तो सेवरल डिफरेंट एलिमेंट की सेवरल डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंट एनिमल्स डेफिशिएंट एलिमेंट के लिए हमें ऑल सिम्टम्स पढ़ने पड़ेंगे वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स के और अवेलेबल स्टैंडर्ड टेबल से कंपेयर करने पड़ेंगे और हमें ये भी अवेयर करना पड़ेगा जो डिफरेंट प्लांट हैं वो डेफिशिएंसी में अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं तो ये जो हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा आज कि क्या क्या न्यूट्रिएंट हैं आज तक हम ह्यूमन बींग का पढ़ रहे थे प्लांट्स का कौन कौन से न्यूट्रिएंट है? जरूरी हैं प्लांट्स के लिए और उनकी डेफिशिएंसी से क्या क्या बीमारियां प्लांट्स को हो सकती हैं क्या क्या नुकसान हो सकता है ओके और कैसे जो है मिनरल रिक्वायरमेंट कैसे हो, होती है प्लांट की माइक्रो क्या होते हैं माइक्रो क्या होते हैं उनका रोल क्या है उनकी डेफिशिएंसी क्या अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रियट आई होप आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा होगा अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें ओके थैंक यू